हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी एन इहाना पर। तो अगर आप सितंबर या अक्टूबर मंथ में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने हमसे डिमांड की थी कि हम कश्मीर का एक कम्प्लीट वीडियो बनाएं, जिसके लिए इस वीडियो में आपको कश्मीर के सभी मुख्य पर्यटन स्थलों जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कश्मीर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गुलमर्ग से। गुलमर्ग पहुंचने से कुछ दूर पहले ही आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जहां फ़ोटो लिए बिना आप बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। और उसके बाद जो पार्किंग एरिया है वहीं से आपको जो महारानी टेम्पल है गुलमर्ग में वो दिख जाता है। महारानी टेम्पल थोड़ी सी एक छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करके जाना होता है। और उसके बाद आपको इस महारानी टेम्पल से चारों तरफ जो गुलमर्ग का व्यू है वो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। यह मंदिर महादेव को समर्पित है और यहाँ महादेव के दर्शनों के बाद आप चारों ओर के गुलमर्ग के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि महारानी टेम्पल तक आप बहुत ही आसानी से पैदल भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आपको गुलमर्ग के बाकी सभी जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनको कवर करना है तो आप घोड़े से भी जा सकते हैं। वैसे भी गुलमर्ग में घुड़सवारी का एक अपना ही बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, जिसे आप लेना बिल्कुल भी मिस ना करें। लेकिन घोड़ा करने से पहले अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को परफेक्ट जरूर बना लें। उसके बाद घोड़े वाले आपको सबसे पहले लेके जाते हैं महाराजा हरि सिंह पैलेस। इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में छोटा सा पहाड़ी पैलेस बहुत ही शानदार लगता है। उसके बाद आप जाते हैं जो गुलमर्ग का चिल्ड्रंस पार्क है वहाँ पे। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले और काफ़ी सारी अलग जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिलती है। और साथ में जो यहाँ की वादियों के बीच में से बहती हुई छोटी सी नदी है उसके साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देता है। इसके बाद आपको बता दें कि चिल्ड्रंस पार्क के लिए भी एक अराउंड 20 रुपीज़ का आपको एक टिकट लेना होता है। और चिल्ड्रंस पार्क के बाद आप पास के ही कुछ जो बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि जो गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है और जो चर्च है, उनको भी आप दूर से ही देख सकते हैं। हालांकि टूरिस्ट को यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, जैसा कि हमें घोड़े वाले ने बताया था। और इसके बाद आप फिश पॉन्ड भी जा सकते हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए खास नहीं है, लेकिन आप बहुत ही सुकून से बाकी के टूरिस्ट की भीड़ से दूर कुछ टाइम यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आप जा सकते हैं गोंडोला राइड पर, जो आपको जो गोंडोला का फेज़ वन और फेज़ टू है वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेप्टेम्बर अक्टूबर में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी जो स्नो है वो मिलने के चांस बहुत ही कम है। अब यहाँ से जाने का मन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अब यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है सोनमर्ग। सोनमर्ग पहुंचने से कुछ दूर पहले ही आपको कुछ बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आप सोनमर्ग जाना कश्मीर में बिल्कुल भी मिस ना करें। ये बाकी के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनसे एकदम अलग और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पहुँचने के बाद आप सबसे पहले थाजीवास ग्लेशियर ट्रैक को पूरा कर सकते हैं, जो कि वास्तव में एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही वंडरफुल व्यूज़ वाला ट्रैक है। और इस ट्रैक में आपको सच में ये पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि क्यों आखिर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस पूरे ट्रैक में आपको ऐसे बहुत सारे मैस्मराइजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो आमतौर पर हम किसी डेस्कटॉप वॉलपेपर या फिर किसी नेचुरल सीनरीज वगैरह में देखा करते हैं। आपको बता दें कि इस ट्रैक के एंड में आपको जो थाजीवास ग्लेशियर है उसका लुक दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना सच में आपके ज़िंदगी के सबसे यादगार पलों में शामिल ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे बजरंगी भाईजान शूटिंग पॉइंट, सत्ते पे सत्ता टूरिस्ट पॉइंट, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खूबसूरत व्यूज़ जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसके बाद आपको बता दें कि आप यहाँ पे जो रिवर साइड कुछ शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे मैगी, चाय ये सब ले सकते हैं। और रिवर साइड पे कुछ भी नाश्ता वगैरह करने का जो एक्सपीरियंस है वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसके बाद आप जो सोनमर्ग में जीरो पॉइंट तक जा सकते हैं। जीरो पॉइंट जाने के लिए आपको जोजिला पास होकर जाना होता है, जो कि वर्ल्ड में जो सबसे मोस्ट डेंजरस रोड्स हैं उसमें से एक है। एक्चुअल में जीरो पॉइंट लद्दाख और कश्मीर का सेंटर पॉइंट है, जिसका एल्टीट्यूड 11,649 फीट है। तो यहाँ भी जाना आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पहलगाम।
और पहलगाम में सबसे पहले हम चलने वाले हैं बेताब वैली, जो कि बेताब मूवी शूटिंग जो यहाँ पे हुई थी उसी के नाम से ये वैली फेमस हो गई और इसी नाम से आज जानी जाती है। बेताब वैली में भी बजरंगी भाईजान मूवी की काफ़ी सारी शूटिंग हुई है और यहाँ पर जो जो लीडर रिवर है उसका जो कलर है वो देखते ही आपको किसी फैंटेसी मूवी का सीन जैसा ये दिखाई देने वाला है। और इस लीडर रिवर पर बना ये ब्रिज वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक व्यू आपके सामने रखता है। यहाँ पे भी आप अगर ऊपर तक जाना चाहते हैं तो आप घोड़े वगैरह ले सकते हैं और आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आपको जो रास्ता है वो रिवर को क्रॉस करके जाना होता है तो उसके लिए आपको घोड़े लेने यहाँ पर ज़रूरी पड़ जाते हैं। यहाँ पे भी घोड़े वाले आपको बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स के नाम बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखने के लिए कुछ है तो वो है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो कि वाकई बहुत ही अमेजिंग है, और टूरिस्ट जो पॉइंट्स हैं वो ऐसा कुछ खास देखने लायक वहाँ पे है नहीं। इसके बाद आप पहलगाम में ही जो मौजूद है बायसन वैली वहाँ तक जा सकते हैं, आप चाहें तो घोड़े वगैरह ले सकते हैं इस ट्रैक को पूरा करने के लिए, बाकी आप इजीली पैदल भी इस ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस ट्रैक को पैदल पूरा करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं जिससे जो डिस्टेंस है वो भी कुछ कम हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बायसन वैली को कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो व्यू है कि इसको किसी भी और जगह से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग है जिसे इसी के नाम से ही जाना जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे आपको कुछ छोटे रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे जहाँ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, और इसके बाद आप जो ममलेश्वर महादेव टेंपल है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर है वो बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है और जम्मू कश्मीर का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंडर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है। इसके बाद आप चंदनवाड़ी जा सकते हैं जो कि जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके बाद आप जा सकते हैं जो पहलगाम में, अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। एप्पल ऑर्चर्ड्स में आपको बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखने वाले एप्पल्स दिखने वाले हैं जिसके साथ आपकी सितंबर अक्टूबर में की गई कश्मीर ट्रिप बहुत ही यादगार बन जाने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं कश्मीर के श्रीनगर, जिसे धरती के स्वर्ग का दिल भी कहा जाता है, और श्रीनगर में जो आप शिकारा राइड है उसकी अगर बात करें तो ये पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है और इसका एक्सपीरियंस तो हर किसी को एक ना एक बार अपने जीवन में जरूर लेना चाहिए। आपको बता दें कि श्रीनगर की डल झील एक बहुत ही बड़ी झील है जिसके जो किनारे हैं उन पे करीब करीब टोटल 30 घाट्स बने हुए हैं, और इन घाट से आप अपने लिए शिकारा राइड बुक कर सकते हैं जिसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छे से नेगोशिएशन वगैरह करना पड़ सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है शिकारा राइड का इस झील में वो बहुत ही शानदार होता है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। इससे जुड़ी किसी टिप की बात करें तो आप शिकारा राइड को मॉर्निंग टाइम में सनराइज़ के टाइम या फिर इवनिंग में सनसेट के टाइम पे कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा आप श्रीनगर में मुगल गार्डन्स भी जा सकते हैं, ये जो गार्डन आप देख रहे हैं वो मुगल गार्डन्स में से एक निशाद बाग है जो कि जो मुगल गार्डन्स में जो श्रीनगर में हैं उनमें से दूसरा सबसे बड़ा बाग है। निशाद बाग में बैकग्राउंड में आपको बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिखाई देते हैं और सामने की तरफ डल झील दिखाई देती है, जिसके साथ निशाद बाग में कुछ टाइम स्पेंड करना एक वाकई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपको इस बाग में बहुत सारे जो फाउंटेन्स वगैरह हैं और जो जो मैन मेड झरने हैं वो आपको दिख जाएंगे, और एक फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए ये प्लेस एकदम परफेक्ट है। साथ ही यहाँ आपको बहुत ही जो खूबसूरत कुछ यूनिक तरह के फ्लावर्स हैं उनकी भी काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिलती है, और इवनिंग टाइम पे आप बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी प्लेसेस हमने आपको बताए हैं उनके अगर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ चाहिए कश्मीर में सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर या फिर गुलमर्ग, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनके सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हैं। तो श्रीनगर में आगे हम चलते हैं जो शंकराचार्य मंदिर है जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, वहाँ इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी होती है, लेकिन ये मंदिर देखने में भी काफ़ी अद्भुत है और साथ ही बहुत ही प्राचीन भी है, तो यहाँ पे आप महादेव के दर्शन ज़रूर करें। साथ ही इस मंदिर से श्रीनगर का भी बहुत ही खूबसूरत ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें,
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।